कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस का नांदेड़ में जोरदार जश्न मनाया गया। मजलिस के मरकजी दफ्तर पर परचम कुशाई के बाद पार्टी की जानिब से मुहिब्बान मजलिस में मिठाइयां तकसीम की गई। इस ज़िमन में एक नशिस्त का इनेकाद भी किया गया जिससे मजलिसी कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन तकरीबात में रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर मोहम्मद साबिर चौश, अब्दुल बशीर माजिद, यूथ लीडर नूरुद्दीन, सीनियर लीडर अल्ताफ सर, साबिक कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन, शेख नज़ीर, समाजी खिदमतगार शफी बिल्डर, मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख बबलू के अलावा दीगर एमआईएम कारकुनान व मुहिब्बान मजलिस कसीर तादाद में शरीक रहे। अल्लाह तबारक तआला फ़ख्र मिल्लत अले रहमा की खबर को नूर से मुनव्वर फरमाएँ, सालार मिल्लत अले रहमा की खबर को नूर से मुनव्वर फरमाएँ। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत याबी के लिए हम दुआ करते हैं। अलहाज बरसासुद्दीन अवैसी साहब जो आज हिंदुस्तान के तमाम गोशों में फिर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको ताकत दे, दुश्मनान इस्लाम से मुखालिफिन मजलिस से उनकी हिफाजत फरमाए। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फैसला किया था कि मुल्क की आज़ादी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात बनेगी, तो आज उस खला को, उस कमी को पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। और आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ बरसासुद्दीन अवैसी साहब मजलिस के ख़याम के लिए दौड़ रहे हैं, लोग उनकी मोहब्बत में उनकी तरफ लपक रहे हैं, उनका वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत को हर कोई सोच रहा है, उसकी कमी को महसूस कर रहा है। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोज़ क़यामत तक ज़िंदा और बाकी रखे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मज़ीद ताकतवर बनाए। और इंशाअल्लाह ताला इस तारीख़ दिन के मौके पर मैं फिरोज़ लाला, अमजद बेग साहब, साबिर चौधरी साहब, हमारे तमाम ज़िम्मेदार यह अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले कॉरपोरेशन और असम्बली के इलेक्शन में 2012 से ज़्यादा हम यहाँ पर एक तारीखी रिकॉर्ड को कायम कर बताएंगे। मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस के मौके पर आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में परचम कुशाई का प्रोग्राम रखा गया। साथ ही साथ तमाम मुहिबान मजलिस में, कारकुनान मजलिस और ज़िम्मेदारान मजलिस में मिठाइयां तकसीम की गई। इस मुबारक दिन के तसलसल से मैं तमाम हिंदुस्तान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, कारकुनान मुहिबान मजलिस, कारकुनान मजलिस तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं उनको मुबारकबाद इसलिए भी पेश करता हूं कि वो कारवा जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में लेकर घूम रहे हैं, बिना सरो सामान के, बिना मजहब लिहाज मजहब व मिल्लत के, इस काफिले की रोशनी को पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। तो इस काफिले का साथ देने वाले तमाम कारकुनान का, जुम्मेदारान का, कायदीन का मैं तमाम को इस बात के लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह अपने दायरे को मुसलसल बढ़ाती जा रही है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में, तो ये काफिला अल्हम्दुलिल्लाह कल रोज़े क़यामत तक इंशाल्लाह इसी तरह वसी होता रहेगा। मैं इस दिन के तसलसल से तमाम मुहिबान मजलिस को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 65वां योम फाउंडेशन डे था आज। योम तासीस के ऊपर मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारा मजलिस के दफ्तर पर आकर आज झंडा चढ़ाया गया और लोगों को मुंह मीठा किया गया कि इस वजह से कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर मजलिस का 2023 में जब भी इलेक्शन है महापालिका के लिए, ये हम आज से हमारे जो योम तासीस के मौके पे हम तमाम लोगों ने मिलकर ये नज़्म लिया है। हम वार्ड वाइज बॉडी और तमाम लोगों को हमारे साथ जोड़कर आजी माजी नगर सेवक जो हमारे से छुटकर चले गए थे, हम तमाम को एक जगह लाकर हम अपनी मजलिस की ताकत 2012 के बाद 2023 में इंशाअल्लाह ताला अच्छी कामयाबी के साथ में आने वाले दिनों में कौम की खिदमत के लिए हमारे मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार इकट्ठा जिस तरीके से आज लोगों के अंदर साफ़ सफाई, लाइट, पानी, तमाम परेशानियों से 5 साल से लोग जो परेशान थे, आने वाले दिनों में हम वो गयूर आवाम की खिदमत के लिए हम तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से हम आपकी खिदमत के लिए है, आप हमारे नुमाइंदों को हमारी पार्टी से तमाम लोग जुड़कर काम करने के लिए हम दावत दे रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे
मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।